हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियों का सीजन चल रहा है, हम सभी वाटरमेलन खाने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं। आज मैं आपको उनके छिलकों का सदुपयोग करना सिखाऊंगी। तरबूज के छिलकों से हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी, जो कि आप केक में यूज कर सकते हो, किसी पुडिंग के ऊपर यूज कर सकते हो, आइसक्रीम्स के ऊपर डालकर यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम इसके छिलके उतारेंगे, बैक साइड वाला ये ग्रीन जो मोटा सा होता है इसको उतार लेंगे। इसको सारा हमने उतार लेना है और आगे वाला भाग भी है जो रेड कलर का, उसको भी हम निकाल लेंगे। हमने ऐसे ऐसे पीसेस लेने हैं इसके, ऐसे हमें क्लीन कर लेने। ये देखिए, मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं पीछे से और आगे वाला लाल हिस्सा भी मैंने काट लिया है। अब हम इसके बारीक बारीक पीसेस करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे कि टूटी फ्रूटी के होते हैं, छोटे छोटे पीसेस हम इसके करेंगे। ये देखिए, हमने तरबूज के सारे छिलके काट कर बारीक बारीक तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे, सॉफ्ट होने तक बॉईल करना है हमें इसको। पैन में पानी ले लिया हमने और उसमें ये डाल दिया। इसको पानी में पूरा डुबा कर हमें रख देना है और इसको सॉफ्ट होने तक हमें बॉईल करना है। जब तक ये अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाता तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। अब ये सॉफ्ट हो गया है, अब गैस को कर देंगे बंद। अब हम इसको निकाल के ये छान लेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी उबालना है इसको तो आप प्रेशर कुकर में एक सीटी भी लगा सकते हैं, सॉफ्ट होना चाहिए। इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे बाउल में और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एक पैन में लेंगे एक कटोरी चीनी और उसमें डाल देंगे हम दो कटोरी पानी, इसका डबल पानी लेंगे। चाशनी हमें तार वाली नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चीनी को घुलाना है पानी में और इसको उबाल आने तक इंतजार करना है। ये देखिए, चीनी पानी में घुल गई है। और एक और बात याद रखिए, तरबूज की मात्रा जितनी आप लेंगे उसकी उसी हिसाब से आप चीनी की मात्रा को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी तरबूज के पीसीस की मात्रा कम है तो आप चीनी की मात्रा कम रखिए, अगर ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से चीनी की मात्रा को बढ़ा लीजिए। अब ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट से दिखने लग गए हैं। ऐसा होने के बाद इसको हम डाल देंगे चीनी वाले घोल में और इसको 8 से 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। जब तक चीनी इसके अंदर रच ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए, ये चाशनी में अच्छी तरह से रच गया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और आपको जितने कलर्स की टूटी फूटी बनानी है आप उतने ही पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। मेरे पास 3 कलर्स हैं तो मैं इसको 3 जगह ट्रांसफर करूंगी। इसको चाशनी के साथ ही डालना है हमें। ये देखिए, मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें अलग अलग कलर डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ येलो कलर। ज्यादा डालिएगा क्योंकि इसको कलर को सोक करना होता है, इसलिए कलर की मात्रा जो है इसमें ज्यादा रखिएगा। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है, आपको पेशेंस रखने होंगे क्योंकि अभी हम इसको कलर में डिप करके इसको हमें पूरी रात ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए, येलो कलर आ गया इसमें और नेक्स्ट में हम डालेंगे ऑरेंज कलर। ये देखिए, मैंने इसके 3 कलर बना लिए हैं, येलो कलर, ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर। अब इसको आपने रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, लगभग 10-12 घंटे तक आपने इसको सोक होने के लिए रख देना है ताकि कलर जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसमें अब कलर आ गया है। हमने पूरा एक दिन इसको चाशनी में डुबो कर रखा है। अभी अच्छी तरह से इसने इसको कलर देखो सोक कर लिया है। अब हम इसको सुखाएंगे। आप एक बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर ऐसी छाननी ले लीजिए या कोई भी आपके पास सुखाने के लिए, या कपड़े में भी आप सुखा सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे इसको। तीनों कलर्स की जो टूटी फ्रूटीज हैं इनको हमने सुखाने के लिए जाली पे डाल दिया है। अब इसको हम धूप लगवाएंगे। जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सूख नहीं जाते हैं तब तक हमें इसको धूप लगवानी है।